तीन साल पहले आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने से पहले वो घोषणा कर देते हैं, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये उनका घमंड बोल रहा था। उसके बाद में होता क्या है कि चुनाव के बाद वो चुनाव हार जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बदनामी होती है। उसके बाद ठीक तीन साल बाद फिर से निरहुआ चुनाव लड़ने जा रहे हैं आजमगढ़ से। अब भैया हाल क्या हो सकता है आपको पता ही है, फिर भी वो सहारा ले रहे हैं पवन सिंह की, स्मृति सिंघा, अमरपाली, पताशा चाचा, जितने भी खेसारी लाल यादव के दुश्मन है उनका वो सहारा ले रहे हैं कि अब की बार मैं चुनाव जीत जाऊं। शायद निरहुआ ये भूल चुके हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई बादशाह है, कोई नंबर वन हीरो है अभी, जिसके सहारे मैं चुनाव लड़ सकता हूं और चुनाव जीत सकता हूं, तो वो है खेसारी लाल यादव। लेकिन वो कहीं ना कहीं घमंड के मारे खेसारी लाल यादव का मदद ना मांगते हुए पवन सिंह का, मनोज तिवारी का, रवि किशन का, स्मृति सिन्हा, बताशा चाचा, ऐसे लोग का वो सहारा ले रहे हैं कि मैं चुनाव जीत पाऊं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो है, अगर खेसारी लाल यादव का सहारा नहीं लेते हैं निरहुआ, तो उनको चुनाव में बहुत बड़ी नुकसानी हो सकती है। क्योंकि मैं प्रूफ दिखा सकता हूं कि आजमगढ़ में खेसारी लाल यादव का जो फैन फॉलोइंग है शायद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उनका गाना सुना जाता है। अगर ग्लोबल म्यूजिक चार्ट पे आप जाके देख लो तो वहां पे निरहुआ का गाना बहुत कम सुना जाता है। आजमगढ़ में उन्हें बहुत कम जाना जाता है। जहां देखा जाए खेसारी लाल यादव का डंका, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो खेसारी का गाना बजता है, और खेसारी का गाना भी बजता है। और खेसारी लाल यादव बहुत दयालु आदमी है, हर एक जगह पे वो मदद करने पहुंच जाते हैं, हर एक आदमी को वो मदद करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि जनता के बीच जो खेसारी का प्यार है, खेसारी का जो दरिया दिली है, सबको पता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हमारे खेसारी लाल यादव को अगर निरहुआ जो उनको उनसे सपोर्ट मांगते हैं, उनसे सहारा लेते हैं, तो चुनाव जीतने में 100% की उनकी गारंटी हो सकती है। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है अखिलेश यादव बहुत बड़ी पार्टी है, और अखिलेश यादव को हराना बहुत नामुमकिन है। क्योंकि आप लखनऊ चले जाओ, लखनऊ का पूरा रुख बदल दिए हैं वही अखिलेश यादव। और वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे जो निरहुआ है वो खेसारी लाल यादव का इसलिए सहारा नहीं मांगते क्योंकि निरहुआ जो हमारे खेसारी लाल यादव जो हैं वो कई बार जो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, हमारे लालू पार्टी से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसी जलन से वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव से जो मेल मिलाप नहीं करना चाहते, उनसे जो है सहारा नहीं मांगना चाहते। और मुझे लग रहा है कि अब की बार भी खेसारी मतलब निरहुआ की जो है हार तय है। क्योंकि जब भी खेसारी के सहारा बिना कोई भी लड़ा है तो लगभग जो है चुनाव हार गया है। खेसारी के सहारे में बहुत लोग जो है चुनाव लड़े हैं और जीत भी गए हैं। यहाँ पे मेरा घमंड नहीं है, मैं कोई विवाद नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि आजमगढ़ में जो खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग है वो निरहुआ पवन सिंह से कहीं ज्यादा जो है खेसारी लाल को जाना जाता है। तो खेसारी लाल यादव का अगर सहारा लिया जाता तो वो चुनाव जीत सकते हैं। फिर भी निरहुआ का जो फैन फॉलोइंग है ज्यादा है, अच्छा है, दुनिया जानती है। लेकिन भैया दुनिया जानते से नहीं होती है, उनकी वहीं पे बदनामी हो गई थी। ये नचनिया पदनिया क्या जो है हमारे देश की विकास करेगा, यहाँ पे तो अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके जनता वहां की बोल रही थी। और बाद में यही हुआ कि उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आप लोग का क्या मानना है कि अगर आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव लड़ते हैं और अब बिना खेसारी का जो सपोर्ट के, बिना खेसारी के सहारा के, वो चुनाव जीत पाएंगे? कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर जरूर करना।